Hello everyone and welcome to our channel Shades of Megz. हम लोग हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो कि न्यू दिल्ली में है और हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड. अराउंड 3 o'clock हो गए हैं और हम लोगों का एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन है अभी, बट हम बहुत एक्साइटेड हैं थाईलैंड जाने के लिए. yes. क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थाईलैंड गए हैं और हमने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं और उसके पिक्चर्स और वीडियोस इतने अमेजिंग आते हैं. तो हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं उस चीज़ से. वैसे वेदर फोरकास्ट इतना अच्छा नहीं है. इट्स रेनिंग ओवर देयर. हाँ, और थंडरस्टॉर्म्स भी थे, बट अब जैसा भी वेदर हो हम उसे एग्जैक्टली अब इसे इन्जॉय करने से हमें कोई रोकेगा नहीं, तो हम फुली इन्जॉय करने की कोशिश करेंगे. So, are you ready, Saurav? Yes. So, let's go. तो हम लोगों का इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक हो गया है और हम लोग अभी अपने गेट के पास आके बैठ गए हैं और थाईलैंड जाएंगे हम लोग, जैसे हमने बताया आप लोगों को. और थाईलैंड में फर्स्ट हम बैंकॉक जाएंगे, बट बैंकॉक में हम लोग रह नहीं रहे, बैंकॉक हमारा ले ओवर है और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन फुकेट होगा. तो हम फुकेट में रहेंगे हमारे सारे डेज जब हम रहने वाले हैं. हम लोग 26th of December से 1st of January तक थाईलैंड में हैं और फुकेट में हम लोग सारे डे स्पेंड करेंगे, बट हमारा 8 to 9 hours का ले ओवर है बैंकॉक में. वी विल सी एग्जैक्टली हाउ वी विल स्पेंड, बिकॉज हम लोगों ने कुछ प्लान नहीं किया है, तो हम ऑन द फ्लाई प्लान करेंगे कि हमें क्या करना है वहाँ पे. कुछ आइडियाज़ हैं, बट लेट्स सी हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं. The flight is so colorful. Forgot to tell you one thing, that we are going to Thailand by Thai Airways, and the first impression of Thai Airways is really nice because it's colorful hai ye flight. Aur very very bright colors. Ha, mujhe bahut acha laga colors. Aur leg space bhi zyada hai. Aur main hamesha flight mein miss karti hu wo hai footrest, aur is flight mein footrest hai. So that's very nice. हम लोग अभी लैंड कर गए हैं बैंकॉक. लोकल टाइम हो रहा है 9 AM इन द मॉर्निंग, एंड कंपेयर टू इंडियन टाइमिंग 1.5 hours का डिफरेंस है. दैट इज इंडिया में भी 7:30 हो रहा होगा. यस. तो थाईलैंड में 1 hour 30 minutes ज़्यादा रहता है. और अभी जैसे हम लोगों ने बताया था हमें बैंकॉक में ले ओवर है, तो हमें चेक करना होगा कि हमारा वीज़ा ऑन अराइवल कैसे मिल सकता है, क्योंकि हमारा ट्रांजिट है फिर फुकेट के लिए. बट हम बैंकॉक घूमना चाहते हैं क्योंकि 8 to 9 hours है, तो काफ़ी टाइम मिलेगा. फाइंड आउट. पासपोर्ट का परवाना लिखा है और ये हिंदी में लिखा है, बट पासपोर्ट को परवाना बोलते पता नहीं था. दैट्स स्ट्रेंज. या पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में, लैंग्वेज तो हिंदी दिख रही है, पता नहीं. अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये परवाना क्या है. तो हम लोगों ने करेंसी एक्सचेंज करा लिया है और करेंसी एक्सचेंज हम लोगों ने एयरपोर्ट पे कराया है. तो कुछ करेंसी एक्सचेंज हमने इंडियन एयरपोर्ट पे करा लिया था और कुछ करेंसी एक्सचेंज हमने बैंकॉक एयरपोर्ट पे कराया. और इंडियन करेंसी का रेट चल रहा था कि यू कैन बाय 1 Thai baht इन अराउंड 2.29 इंडियन रुपीज़,
एंड यूरो में यू कैन बाय अराउंड 34.64 थाई बात इन 1 यूरो. बट आपको याद, अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल देख रहे हैं तो यू नीड सम कैश. ऑल द वीज़ा फीस यू हैव टू पे इन कैश, सो ऑलवेज गेट सम कैश. हम लोग का वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस हो गया है, मतलब कि वीज़ा स्टैम्पिंग लग गया है. और फीस था उसका 400 baht दो लोगों का, सो पर पर्सन 200 baht. हाँ, सो 200 baht है. और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है प्रोसेस, बट बहुत सारे लोग हो गए थे इसलिए मैसअप हो गया था. प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपके पास सिर्फ अपने फॉर्म भरो, अपना पासपोर्ट दिखाओ उनको और फोटोग्राफ होना चाहिए. सो वेरी सिंपल प्रोसेस. तो और सेकंड जो हमें चाहिए था वो है सिम. सो सिम मिल गया है, DTAC का सिम है. बहुत सारे प्लान्स थे उनके पास, ये एक्चुअली टूरिस्ट सिम है. और 7 days का प्लान था, 8 days का. हम लोगों ने 8 days का प्लान लिया है, 300 हाथ में, और 8.5 GB मिल रहा है और सम कॉलिंग भी है. हाँ, तो हम लोग ऑल सेट हैं अब बैंकॉक सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए. सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द सिटी बैंकॉक.